गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि हम पहले एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। जहाँ इस चैप्टर को फिनिश होने वक्त मैंने एक बात बताई थी आपको कि इस चैप्टर के अंदर एक चैप्टर को और इंक्लूड किया गया है, उसका नाम है लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो आप इस टॉपिक का नाम लिखेंगे सभी, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज के नाम से ये टॉपिक जाना जाता है। वैसे तो चैप्टर अलग से कंसीडर होता है कॉम्पिटिशन्स में, बट हम लोग इसको सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि सीरीज की बात चल रही है, सीक्वेंस की बात चल रही है, तो हम इस चैप्टर को उस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करके पढ़ा देते हैं। तो कोई इशू नहीं, आप इसको अलग समझें या जैसे भी। तो हम आज इसको स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। जैसे नाम से कंसीडर हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि लॉगरिथम का यूज होगा इसमें और एक्सपोनेंशियल टर्म का यूज होगा, तो इन दोनों की सीरीज बनाई गई। जैसे हम लॉग के बारे में पढ़ते हैं, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, अब हम इन्हीं फंक्शंस को किन टर्म्स में पढ़ने वाले हैं, इनकी सीरीज के रूप में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकी सीरीज कैसे बनती है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कैसे इस सीरीज का बनाया गया इस सीरीज़ को, और हम इसको पहले प्लस वन प्लस टू में क्यों नहीं पढ़ पाए, कंपटीशन में क्यों दिया जाता है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लस वन प्लस टू के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर तो इंक्लूड है, बट ये लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर की डिस्कवरी प्लस टू के बाद जो हायर एजुकेशन जाती है वहाँ पे की गई थी। और जैसे हम ग्रेजुएशन में अगर हम जाते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, या बीए मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग लाइंस में मैथमेटिक्स का कोई एक बुक आती है जिसको बोलते हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वहाँ पे टॉपिक आता है टेलर एंड मैक्लोरियन सीरीज। ये दो साइंटिस्ट थे, टेलर और मैक्लोरियन, इन दोनों ने हर फंक्शंस को सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो उसी के दौरान एक सीरीज बनाएगी लॉगरिथम के लिए बनाएगी, जिसको नाम दिया गया लॉगरिथम सीरीज। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सीरीज में कन्वर्ट किया गया, जिसका नाम पड़ा एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस और भी हैं जिनकी सीरीज बनाई गई, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हो आप लोग, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, टेंजेंट कोटेंजेंट एक्स, इन सब को भी सीरीज में कन्वर्ट किया गया, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसका हम यहाँ कोई डिस्कशन करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस होंगे जिनका नाम है लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो मैं बता देता हूँ वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ टेलर एंड मैक्लोरियन की बात चल रही है, दोनों फ्रेंड थे। तो सबसे पहले टेलर ने थ्योरम बनाई थी जिसका नाम था टेलर्स थ्योरम। क्या नाम था इसका? टेलर्स थ्योरम। तो क्या थी टेलर्स थ्योरम? किसी भी फंक्शन को आप सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला बना एफ ऑफ ए प्लस में एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल एफ डैश ए एंड सो ऑन, एक्स माइनस ए का स्क्वेयर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। यानी कोई भी फंक्शन गिवन होगा आपको एफ एक्स, पहले आप उसका डेरिवेटिव लो एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव आने के बाद उसमें एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे? ए। तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव लिया जाएगा, डबल डेरिवेटिव लेके इसमें भी फिर हम ए को पुट करेंगे। ए क्या है यहाँ पे? ए था किसी भी फंक्शन को, जैसे एफ एक्स को कोई कन्वर्ट करने के लिए कहे एक्स माइनस वन में कन्वर्ट करो, इस सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो जिस सीरीज में कन्वर्ट करना है उसको हम एक्स माइनस ए की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो ए होगा वो आपको यहाँ कांस्टेंट की टर्म पता चलेगी कि एक्स माइनस में वन चाहिए, एक्स माइनस में टू चाहिए, वो ए की वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, उस वैल्यू से सारी इनके डेरिवेटिव्स निकाल कर उस वैल्यू को इन डेरिवेटिव्स में पुट किया जाएगा, और इन वैल्यूज़ को फिर इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिससे बनेगी टेलर सीरीज। क्या बनेगी? ये टेलर सीरीज, जो इस थ्योरम का नाम दे दिया गया टेलर्स थ्योरम। तो इस सीरीज को जब बनाया गया, थ्योरम को बनाया गया, तब सेम इसके जो फ्रेंड्स थे मैक्लोरियन, उन्होंने इसी सीरीज का एक मॉडिफिकेशन और कर दिया, जब उसने बताया कि हम ए की वैल्यू को अगर जीरो ले लें तो यही सीरीज जो है हमारी वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो, फिर एक्स स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड मैक्लोरियन सीरीज, या थ्योरम की बात करो तो मैक्लोरियन थ्योरम भी कह सकते हैं हम इसको।
तो इस तरह से थ्योरम बनाई गई और इस थ्योरम के बेस पे ये सारी सीरीज कन्वर्ट की गई। कैसे? जैसे आप इस थ्योरम को उठाइए, पहले हमने को फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। हम चाहते हैं कि ई की पावर एक्स को मैक्लोरियन सीरीज के थ्रू कन्वर्ट करना सीरीज में। तो आपको क्या काम करना है, गिवन फंक्शन होगा उनके डेरिवेटिव्स ले लो। पहले आप डायरेक्ट एफ ऑफ जीरो निकाल लो, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल कर एक एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, डबल डेरिवेटिव निकाल कर एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर दो, तो ये सीरीज बन जाएगी हमारे पास। जैसे आपने पहले पुट किया जीरो, एक्स को आप जीरो पुट कर दो की पावर जीरो, फिर एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, एक्स को भी आपने क्या पुट कर दिया जीरो, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फिर से आएगा ई की पावर जीरो एंड सो ऑन। तो ये बन गई सीरीज, क्या बन गई ये सीरीज, और इसको हमने नाम दे दिया क्योंकि फंक्शन एक्सपोनेंशियल था तो नाम भी क्या रख दिया गया इसका, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, एक्सपोनेंशियल सीरीज। सेम इसी पैटर्न से एक लॉगरिथम सीरीज बनाई गई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो चलो देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज को मैं दोबारा लिखूंगा, यहाँ थोड़ा सा आपका स्पेस कम होने की वजह से अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाया। चलो आप इसको समझ लेना, समझ में आ गया होगा। दो साइंटिस्ट थे टेलर एंड मैक्लोरियन, उन्होंने अपनी थ्योरम बनाई, थ्योरम से हमने सीरीज कन्वर्ट की, और अब इस सीरीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कि ई की पावर एक्स जो फंक्शन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी जो सीरीज बनी वो सीरीज क्या बनी, सबसे पहले ई की पावर जीरो होता है वन, फिर एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो क्या बना यहाँ, वो भी वन बना, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल ई की पावर फिर जीरो आ गया वो भी वन बना एंड सो ऑन। तो सीरीज बन गई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और आप सबको शायद फैक्टोरियल के बारे में जानकारी होगी, ये हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर पढ़ाया गया होगा फैक्टोरियल के बारे में। क्या होता है एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मीन्स n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो आपकी लास्ट तक वन तक जाके स्टॉप हो जाएंगी, सब नेचुरल नंबर्स में होते हैं ये, तो जितने नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं वन पे जाके स्टॉप हो जाएंगे, और जितनी टर्म्स इसमें आएंगी उन सब को मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे आपने n फैक्टोरियल पढ़ा तो आपका एक रिजल्ट बना n से स्टार्ट होगा, एक एक वैल्यू रिड्यूस करते जाओ, और कब तक मल्टीप्लाई करोगी, जब तक क्या ना आ जाए इनकी वैल्यू वन तक ना एक्सटेंड कर जाए तब तक। जैसे फाइव फैक्टोरियल दे दिया गया, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन क्या बना 120, दिस इज द वैल्यू ऑफ द 5 फैक्टोरियल। सेम ऐसे ही फैक्टोरियल जितने भी हैं आप सबको पता है, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज की। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज आप सबको समझ में आ गया होगा कि ई की पावर एक्स को कोई सीरीज में पूछे तो आज के बाद आप क्या बताओगे, ई की पावर एक्स को सीरीज के रूप में वन प्लस में एक्स की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलती जाएगी सीरीज। कहाँ स्टॉप होगी, इनफाइनाइट पे। कहाँ स्टॉप होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है जो सीरीज कभी ख़त्म नहीं होती उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब इसी से हम चार रिजल्ट बनाने जा रहे हैं, वो चारों रिजल्ट आप याद कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं और इन चारों रिजल्ट्स के ऊपर वो दो क्वेश्चन डिपेंड होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से कर लेंगे। चलो देखिए इसमें ई की पावर एक्स की सीरीज है, अब इसी में एक्स को अगर मैं माइनस एक्स पुट कर दूँ, सब्स्टिट्यूशन चलना और कुछ नहीं है, एक्स को आपने माइनस एक्स पुट कर दिया तो जितनी भी ओड पावर्स हैं वो सब की सब हो जाएंगी नेगेटिव, क्योंकि इवन पावर के ऊपर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर आप इवन पावर लगा भी दोगे तो माइनस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ओड जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, वन माइनस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस में एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। अब ये हमारे पास सीरीज कौन सी बन गई, ई की पावर माइनस एक्स के लिए, जिसमें एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो कि अगर
कोई भी सीरीज हमारी इस टाइप की दे रखी हो, वो अल्टरनेटिव साइन में है। अल्टरनेटिव मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप समझ जाना कि वो एक्सपोनेंशियल सीरीज तो है, बट कौन से वाली, जिसमें पावर क्या है एक्स की, माइनस एक्स। क्लियर है? और अगर पूरी सीरीज पॉजिटिव चल रही हो तो आप समझ जाना ई की पावर कैसी है, प्लस एक्स है, और ई की पावर अगर माइनस एक्स है तो अल्टरनेटिव साइन आएंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों बन गई प्लस पावर के लिए भी और माइनस पावर के लिए भी। अब इन्हीं दोनों को मिला के हम दो टर्म्स और बनाएंगे, दो सीरीज और कन्वर्ट करेंगे। एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कौन सी, ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, इसको सेकंड कंसीडर कर लो। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड होकर लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x। यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस 1 2, ये पावर ओड पावर कैंसिल, फिर इवन पावर भी डबल हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये भी डबल। सिर्फ कौन कौन सी टर्म बचेंगी, यहाँ पे इवन पावर्स वाली टर्म बच जाएंगी, और सब के सब क्या मल्टीप्लाई है, सब के साथ 2, तो 2 को कॉमन ले लो, वो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। तो आपने एक एक्सपेंशन और याद, वो कौन सी एक्सपेंशन थी, इवन पावर्स वाली एक्सपेंशन, जिसमें एक्स की पावर क्या चल रहा है 2, 4, 6, यानी जीरो से स्टार्ट होता है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6। अगर इनकी पावर कंटिन्यू नहीं है, 1, 2, 3 के साथ कंटिन्यूशन पावर में नहीं है, तो आप समझ जाना ये पावर या तो इवन में मिलेंगी या ये पावर किस में मिलेंगी, ओड में। अगर इवन में है तो सीरीज किसकी बनेगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, इसकी सीरीज बनेगी। और अगर यही सेम सिक्वेंस हमारी ओड पावर में है तो ओड कैसे बनेगा, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, दोनों को माइनस करोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और इस बार कौन कैंसिल होगा, इस बार वो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जो पिछली बार नहीं हुई थी, और जो पिछली बार कैंसिल हुई थी वो प्लस हो जाएंगी, यानी कि हमारी सीक्वेंस बनेगी e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओड पावर, जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी विद फैक्टोरियल, x की पावर 5 है तो 5 फैक्टोरियल, x की पावर 7 है तो 7 फैक्टोरियल, x की पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, x की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, और ये जो 2 टाइम्स हुआ है उस 2 को आप डिवाइड ले आओ में ले आओ, तो ये बन गई ओड पावर्स। तो ओड पावर के लिए एक्सपेंशन क्या बनी, ये एक्सपेंशन बनी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। तो आपने अब 4 सीक्वेंस पढ़ी, एक एक्स की कॉन्टिन्यूस पावर्स के अंदर अगर पॉजिटिव 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 टर्म चल रही है तो आप समझ लेना वो ई की पावर प्लस एक्स है, और अगर वो अल्टरनेटिव साइन में चल रही है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप समझ जाना कि वो ई की पावर माइनस एक्स की एक्सपेंस है। और अगर इनकी जो पावर्स हैं वो टोटली इवन में चल रही हो तो आप समझ जाना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 की एक्सपेंशन है। और अगर यही सेम पावर्स आपकी ओड में चल रही हो तो आप समझ जाना कि ओड पावर इन दोनों को माइनस करके बनाई गई होंगी, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आपस में माइनस हो जाएंगी, डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये एक्सपेंशन e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 बनेगा। तो आप ध्यान से इन चारों सीक्वेंस को अच्छी तरह समझ लें, चारों सीरीज को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि इन चारों सीरीज पे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 4 क्वेश्चन, और उन चारों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम स्मार्ट वर्क में डील करते हैं ना कि हार्ड वर्क में, हम कम काम कराएंगे और उसमें से अगर वही, मगर हम 4 क्वेश्चन करें और 4 में से अगर 2 क्वेश्चन आ जाएं तो हमें और क्या चाहिए। अब मैं आपको 400 क्वेश्चन दूं और मैं कहूँ इन 400 को कर लो, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कोई तुक नहीं बनता। अपनी तो एक ही फिलोसफी है, कम काम में ज़्यादा आउटपुट, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। और यही स्मार्ट वर्क अवर्स अकेडमी हमेशा से करती रही, और यही रीजन है कि आज पूरे हरियाणा में अवर्स अकेडमी के जो रिजल्ट हैं वो आज उसकी मोहताज नहीं है, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सबको पता है अवर्स अकेडमी का नाम आज हर हरियाणा के हर कोने में है, और मुझे उम्मीद है आप सबका सहयोग और प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहा तो ये जो अवर्स अकेडमी का नाम है वो आने वाले टाइम में ये 3-4 सालों के अंदर अंदर पूरे इंडिया में होगा, और हमारी बहुत सारी ब्रांचेज भी होंगी, ये उम्मीद में हम कर लेके चल रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है आप सबके सहयोग से हम इस चीज़ को बहुत जल्द
पड़ाव को पार कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ, चारों सीरीज नोट कर लें, और इसको इरेज करके फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो देखिए ध्यान से। चलो अभी हमने पढ़ा ए की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या थी, 1 + x / 1 × x² / 2 एंड सो ऑन। अब इसी से मैं कुछ एक्सपेंशन आपके सामने कन्वर्ट करने जा रहा हूं। अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो यही सेम सीरीज किसकी बनेगी, e की पावर 1 = 1 + 1/1 × 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। अब इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, बहुत सारी सीरीज बनाने जा रहे हैं इनसे ही। तो आपने x को 1 पुट कर दिया तो ये सीरीज बन गई, और इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले 1 / 1 × 1 / 2 + 1/3 किसके इक्वल है, तो आप समझ जाना कि नीचे फैक्टोरियल लगा हुआ है, सीरीज कॉन्टिन्यूशन में है, तो ये वाली सीरीज बनेगी। और ये वाली सीरीज अगर बनी हुई है तो इसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए थी, 1, लेकिन इसकी स्टार्टिंग किससे हुई, 1/1 से। तो जो टर्म एक्स्ट्रा है आप इसको इधर ले जाओ तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो सीरीज बन गई हमारे पास e-1 की। तो इसी एक्सपेंशन को बार बार कन्वर्ट किया जाएगा, अलग अलग रूप में दिखाया जाएगा, बट हमें समझना है कि जो चीज़ पूछी गई है उसमें क्या कमी है, उस कमी को उस तरफ आप माइनस में लिख दें, अपने आप ही कमी बैलेंस हो जाएगी। जैसे अगर आपको कोई पूछे 1/2 × 1/3 × 1/4 किसके इक्वल है अप टू इनफाइनाइट, तो आप क्या करोगे, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, 1/2 के बाद से स्टार्टिंग की है, तो इधर जो टर्म पहले से मिसिंग है उनको इधर ले आओ माइनस में e-2, तो ये वाली एक्सपेंशन बन जाएगी। अब आपको याद रखना है 1/2 से स्टार्ट हुआ है तो e-2 का रिजल्ट है, 1/1 से स्टार्ट हुआ है तो e-1 का रिजल्ट है, और 1 से स्टार्ट हुआ है तो e^1 का रिजल्ट है। तो इस तरह से आपको समझना है कि e^1 का रिजल्ट क्या है, e-1 का रिजल्ट क्या है, e-2 का रिजल्ट क्या है, और अगर इसी के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते तो 1/2 भी उधर जाके क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और रिजल्ट क्या बनता है, e-5/2। तो इस तरह से इनकी मर्जी है, ये सीरीज को 1/3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1/2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1/1 से भी सीरीज आ सकती है एग्जाम में। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज है तो कौन सी है, और कहाँ से स्टार्ट होना था और कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जो कमी है इसमें इसको बैलेंस कर दो, अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके असाइनमेंट का सीक्वेंस एंड सीरीज के जहाँ ख़त्म हुआ था हमारा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 20th का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। ये 1/2 से स्टार्ट दे रखा है, इसका रिजल्ट बनेगा e-2। तो ये था सबसे पहला टाइप, इस गिवन एक्सपेंशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो कैसे बताओगे। जैसे मैंने इसमें x को 1, 2, 3 वगैरह पुट 1 पुट किया, इसी तरह x को आप 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे x की जगह क्या लिया गया है। जैसे कोई हमसे पूछे 7/2 / 2 / 7/3 / 3 / 3, तो आप क्या समझोगे इस बात से, बताओ जरा क्या समझे आप इससे, कि 1/2 / 2/3 तो चल रहा है, और जब फैक्टोरियल लगाओ सीरीज में तो e^x की एक्सपेंशन है, बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे x के प्लेस पे इन्होंने क्या लिख दिया 7, तो ये आएगा e^7 का रिजल्ट। क्यों, क्योंकि x है तो यहाँ पे x^1 / x^2 / x^3 चल रहा था, अब 7^1 / 7^2 / 7^3 चल रहा है, तो x के प्लेस पे इन्होंने 7 रखा होगा, तभी ये 7 आया होगा वहाँ, तो e^7 आंसर आ गया। लेकिन स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए थी इसकी, स्टार्टिंग क्योंकि 1 से होनी चाहिए थी, 1 इसमें नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है, तो इस 1 को इधर लाके क्या कर दोगे आप, माइनस, तो ये रिजल्ट बन गया। सेम इसी के अंदर अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले 7/7/2 / 1 + 7/2 / 2 / 7^4/4 / 7^6/6 एंड सो ऑन, ये रिजल्ट किसके इक्वल है कोई हमसे अगर ये पूछे तो आप क्या कहोगे, ध्यान से सुनिएगा, ये पावर्स कैसी चल रही हैं, इवन पावर चल रही है, और इवन पावर की सीरीज क्या थी, e^x + e^-x/2 वाली सीरीज थी। लेकिन इसमें इसमें क्या फर्क है, वहां पे x था, यहाँ पे उन्होंने x के प्लेस पे क्या ले लिया 7, तो आप भी यहाँ 7 पुट कर दो,
रिजल्ट बना e^7 + e^-7/2, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए थी, 1 से स्टार्टिंग है तो वही रिजल्ट आएगा। बाय चांस किसी क्वेश्चन में या 1 ना दे रखा हो, 7^2 से स्टार्ट कर दी गई हो सीरीज, 7^4 फिर 4 आ रहा हो, है तो इवन पावर, इवन पावर के लिए तो यही एक्सपेंशन बनेगी, लेकिन जो टर्म मिस है यहाँ पे उसको इधर माइनस में लिख देना, अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसका पहला टाइप बता दिया आपको। सीरीज गिवन होंगी इस टाइप से, कई सीरीज दी जा सकती हैं, आपको पहचान करनी है कि उनमें से कौन सी सीरीज है, क्या कमी है उसमें, क्या चीज मिसिंग है, उस मिसिंग टर्म को उस तरफ ई की तरफ ले जाकर माइनस में कर दो जो मिसिंग टर्म्स हैं, तो इससे हमारा रिजल्ट आराम से आ जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे मतलब इसका एडवांस वर्जन। अब ये लेवल 1 था इसका, जो इजी लेवल था वो मैंने करवा दिया, अब इसका एडवांस लेवल कैसे आएगा इसी में ना एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, थोड़ा सा टफ है वो, इससे वो और देख लेते हैं। थर्ड टाइप है इसमें, थर्ड क्वेश्चन ले लो, टाइप तो अभी स्टार्ट, टाइप तो पहला ही चल रहा है, टाइप फर्स्ट करवा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल सीरीज में। और मैंने क्या बताया आपको कितने टाइप करवाने वाले हैं इसके अंदर, हम 4 टाइप, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम मर्जी है, वहाँ 2 की वजह 3 भी आ सकते हैं, 3 की वजह 4 भी आ सकते हैं, वो अलग बात है। चलो थर्ड टाइप में आ जाइए, थर्ड टाइप में क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है, वो आपको ऐसे दे दिया गया, 1/2 factorial, 1/4 factorial, 1/6 factorial एंड सो ऑन, डिवाइड बाय 1/1 factorial, 1/3 factorial, 1/5 factorial एंड सो ऑन, डिवाइड करके 2 अलग अलग सीरीज को डिवाइड किया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है, समझना मतलब भी कौन सी टाइप है कौन सी नहीं है वो समझनी है बस इसमें। तो चलो देखते हैं जरा इसमें, ये देखो कौन सी टर्म चल रही है यहाँ पे, 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial, समझ गया ना, इवन टर्म चल रही है, इवन वैल्यूज चल रही हैं। तो इवन वैल्यूज किस में चलती हैं, e^x + e^-x डिवाइड बाई 2 factorial में चलती हैं। अब यहाँ पे x के प्लेस पे ऊपर x नजर आ रहा है आपको कहीं पर भी, x^2, x^4, x^6 नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब x को क्या पुट किया गया है यहाँ पे, 1, तो आप भी यहाँ पे x को क्या पुट कर दोगे, 1, तो ये सीरीज बन गई। दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए थी इस सीरीज के लिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए थी 1 से, 1 नहीं है तो 1 क्या लगा दोगे आप यहाँ पे, माइनस में, ये पॉइंट आ गया। अब नीचे वाले टर्म्स देखो कौन सी हैं, ओड वैल्यू चल रही है नीचे, तो ओड वैल्यू किसकी एक्सपेंशन थी, e^x - e^-x डिवाइड बाय 2, यानी ओड वैल्यूज के लिए माइनस आएगा बीच में और इवन वैल्यूज के लिए बीच में क्या आएगा, प्लस, ये बस यही एक मेन इसमें डिफरेंस है। इसकी स्टार्टिंग 1/1 factorial से होनी चाहिए जो कि है, तो इसका रिजल्ट क्या बना, इसका रिजल्ट बना e^x - e^-1 डिवाइड बाय 2, उसमें माइनस 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड वाली जो टर्म्स है वो 1 से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, 1/1 factorial ओड के लिए, ओड वहां से स्टार्ट हुआ, इवन कहां से स्टार्ट होना चाहिए था, 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, 1/2 factorial, 1/4 factorial, वो 1 नहीं था तो मिसिंग था, तो वहां उधर हमने माइनस में लगा दिया। अब ये तो आपको समझ में आ गई भी सीरीज गिवन थी, आपने इसको समझ के उसकी सीरीज को बना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख भी दिया, फिर भी लिखने के बावजूद भी आपका आंसर वहां मैच नहीं करता कभी कभार, क्योंकि कैलकुलेशन को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इतना हमसे पूछेगा ही नहीं, वो क्या पूछ लेगा हमसे, 4 ऑप्शन दे देगा, a b c और d। पहला ऑप्शन सपोज करो इसमें दे दिया गया e + e^-1 डिवाइड में e + e- में, या माइनस लगा दो e - e^-1, या तो ये पूछ लेगा हमसे वहां, या फिर अगला ऑप्शन आएगा e+1 / e - 1, e - 1, e+1, या नन ऑफ दीज, तो बच्चे क्या सोचेंगे, वो भी हमारा आंसर तो ये आया है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेट और कर लेंगे इसको, e+1/e - 2, इसको सोल्व किया e 1/e, 2 से 2 कैंसिल एलसीएम वाला, इसको ज़्यादा ज़्यादा और कन्वर्ट कर देंगे एलसीएम लेके, e² + 1 - 2e, और ये बन गया e² - 1, e से e कैंसिल। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इतना देखेंगे ये कहीं नज़र नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या लिख के आएंगे बच्चे, नन ऑफ दीज, गलत हो जाएगा। अगर आपने इतनी कैलकुलेशन कर ली है
तो आप थोड़ा सा इस पर दबाव डालो दिमाग पे, क्या नजर आ रहा है, ये फार्मूला बन गया e माइनस वन का होल स्क्वेयर, और नीचे फार्मूला कौन सा बन गया, e स्क्वेयर माइनस वन, यानी कि e माइनस वन और e प्लस वन, तो e माइनस वन से e माइनस वन कैंसिल, रिजल्ट आ गया e माइनस वन और e प्लस वन, और ये ऑप्शन आपको जरूर दिया हुआ मिलेगा, ऊपर माइनस वन नीचे प्लस वन वाला रिजल्ट कौन सा है, सी वाला रिजल्ट है, वही आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर है ना कि डी। तो आप ऐसी गलतियां ना करें कि आपको नॉलेज तो है बट कैलकुलेशन में है, आप इसको लंबा खींच दें और इसको सोल्व ना कर पाएं लास्ट तक, फिर आंसर मैच नहीं करेगा, तो इस तरह चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये पहला स्टेप खत्म हो गया, पहला लेवल हमने फिनिश कर दिया एक्सपोनेंशियल सीरीज का। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड लेवल, वो इसमें इसी का यूज होना है, लेकिन वो लेवल थोड़ा सा बढ़कर है, कैसे है तो चलो अब हम उस पर नज़र डालते हैं। मैंने बताया ना चार लेवल करने वाले हैं, इसमें हम लेवल टू पे आ जाइए, उसमें इस बार क्या करेंगे, वो सीरीज गिवन नहीं होगी। अब तक क्या था, पहले लेवल में सीरीज गिवन थी, हमें आइडेंटिफाई करनी थी कि ई की पावर एक्सपोनेंशियल सीरीज में जो ई की पावर चल रही है उसमें कौन सी सीरीज है, एक्स को क्या पुट किया गया है, सारी टर्म कॉन्टिन्यूशन में है कि नहीं है, ओ प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन तो नहीं चल रही, इवन ओड तो नहीं चल रहा, उनको पहचान करना था। अब क्या होगा, अब हमें वो सीरीज भी गिवन नहीं है, अब हमें ना सीरीज गिवन है, एक्सपोनेंशियल सीरीज अगर हमें आती है तो हमें नॉलेज है उसकी, अब उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सुनिएगा। लेवल टू है, ए एन दे देंगे आपको वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल लिखकर, क्या दे देंगे आपको, ए एन, एनथ टर्म दे दी गई वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, और आपसे पूछेंगे फाइंड द सम ऑफ द एनथ टर्म, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज का मतलब आपको सीरीज खुद ही बनानी पड़ेगी, पहले आप इसमें फर्स्ट टर्म बनाओ, फिर सेकंड टर्म बनाओ, फिर थर्ड टर्म बनाओ, फिर इनको ऐड करते जाओ। पहले फर्स्ट टर्म बनाओगे वन अपॉन टू फैक्टोरियल, टू पुट करोगे वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, थ्री पुट करोगे वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, फिर इनको ऐड करोगे तब जाके सम आएगा वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, वन अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप पहचान करोगे कि सीरीज कैसी है, यानी पहले सीरीज गिवन थी, पहचान करनी थी, अब हमें एनथ टर्म देंगे सीरीज खुद बनानी पड़ेगी और फिर उसकी पहचान भी खुद ही करनी पड़ेगी, दो काम हो गए ना इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं लेवल टू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आने के चांसेस भी, इसमें भी दो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेवल टू में भी आपको दो टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक इजी कैटेगरी और एक इसका टफ लेवल भी आएगा, टफ लेवल भी हम पढ़ेंगे, पहले आप इजी लेवल को समझो। एनथ टर्म दे रखी है तो आपको क्या करना है, वन टू थ्री पुट करके सीरीज बनानी है, सीरीज बनने के बाद पहचान करनी है कहाँ से स्टार्ट हो रही है सीरीज, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, कौन कौन सी टर्म मिस है इसमें, एक वन नहीं है, एक वन अपॉन वन फैक्टोरियल नहीं है, बाद की सारी सीरीज है हमारे पास, तो जो टर्म नहीं है वही की पावर एक्स की एक्सपेंशन है, इसमें एक्स की जगह वन वन पुट किया है तो आप भी वन पुट कर दो, जो मिसिंग है दो वैल्यूज मिसिंग है उसको उधर ला के माइनस कर दो, वन प्लस वन अपॉन वन वन फैक्टोरियल भी वन ही होता है, वन प्लस वन क्या हो गया टू, तो सम क्या बना इसका, e माइनस टू, क्या बना, e माइनस टू, तो रिजल्ट आ गया। समझे नहीं समझे आप, चलो अब हम इसको भी एक शॉर्टकट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी सीरीज का nth टर्म वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल दे रखा हो बेटा, तो आप समझ जाना इसका सम क्या आएगा, e माइनस टू, मतलब ये तो टफिकेशन हो गया, मैंने टर्म दे दी इसका रिजल्ट आया, इसको सम का फॉर्मूला ही बना दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इससे अब अगला स्टेप बनाने जा रहे हैं, कैसे, अगर हमें ए एन वन अपॉन एन फैक्टोरियल दे दिया जाए, यहाँ पे कम कर दिया जाए, एन फैक्टोरियल दे दिया जाए, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा ई माइनस वन, और अगर यहाँ पे ए एन आपको और माइनस कर दिया जाए, एन माइनस वन कर दिया जाए, तो सीरीज बनेगी, सम ऑफ द सीरीज बनेगी कौन सी, ई, ओनली ई बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप वन पुट करोगे तो जीरो बनेगा, जीरो होता है वन ही कंसीडर होगा, वन रह जाएगा, फिर टू पुट करोगे वन अपॉन वन फैक्टोरियल बनेगा, थ्री पुट करोगे वन अपॉन टू फैक्टोरियल बनेगा, यानी ये पूरी सीरीज बन जाएगी, ये वाली पूरी सीरीज बन जाएगी एसम के लिए, और इसका सम क्या था, ई, तो रिजल्ट क्या बना, ई, यानी कि अगर आपको ए एन दे रखा है वन अपॉन एन फैक्टोरियल तो रिजल्ट है ई माइनस वन सम, और इसमें आप प्लस करते जाओगे तो यहाँ वैल्यू माइनस बढ़ती जाएगी, पहले वन बड़े माइनस होगा,
फिर वन बाई वन फैक्टोरियल भी माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू बढ़ाओगे टू बढ़ा दोगे तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल भी माइनस हो जाएगा, या थ्री बढ़ा दोगे तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे आप प्लस करते जाओगे वो इधर आके माइनस होती जाएगी, ये आप शॉर्टकट में समझ ले तो इससे आपको बहुत आसानी होने वाली है कंपटीशन में, क्योंकि हमारे शॉर्टकट में काम आएंगे, क्योंकि जो मैं आपको तीसरा लेवल करवाऊंगा उसमें यही शॉर्ट ट्रिक्स काम करेंगी, हम पूरा कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई है ये नॉलेज के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, इसीलिए आपको करवाया गया है, लेकिन जब हम इसको अगले लेवल पे जाएंगे तब ये अटैम्प्ट आपका हो चुका होगा, तो आपको ये चीज़ आगे आपको शॉर्टकट में यूज करनी है, ठीक है। तो चलो, आपने देखा कि अगर n में से माइनस कुछ कर रहे हो, वन माइनस हो रहा है, टू माइनस हो रहा है, कुछ भी माइनस हो रहा है, उसका रिजल्ट हमेशा e रहेगा। बढ़ रही है वैल्यू डिवाइड में, वन बढ़ रहा है, टू बढ़ रहा है, थ्री बढ़ रहा है, इधर आप माइनस करते जाओगे कौन सी वैल्यू को, ये वैल्यू पहले वन चला जाएगा माइनस में, फिर एक वैल्यू और बढ़ा दिया आपने, टू फैक्ट वन अपॉन एन प्लस टू कर दिया तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, थ्री रख दिया टू रख दिया तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल भी माइनस हो जाएगा, जाके थ्री रख दोगे वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल भी माइनस हो जाएगा। यानी आप अपना नियम बना लो क्या, कि अगर हमारे पास एन माइनस वन पड़ा है तो सम आएगा ई ए एन, अगर हमारे पास ये पड़ा हो तो सम क्या आएगा ई। इसके बाद यहाँ जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे उसमें एक टर्म, ये वाली सीरीज की एक टर्म माइनस करते जाना, जैसे अगर मैंने इसमें एक वैल्यू बढ़ा दी और एन फैक्टोरियल ले आया तो ई माइनस वन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या ले लिया, ए एन आपको दिया गया वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल ले लिया तो ई माइनस टू हो जाएगा, वन और माइनस हो जाएगा जाके उस साइड में। फिर आपने इसमें क्या ले लिया, वन अपॉन एन प्लस टू फैक्टोरियल ले लिया तो उधर जाके वन अपॉन टू फैक्टोरियल फिर माइनस हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे थ्री प्लस ले लिया तो इसी वैल्यू के अंदर टू फैक्टोरियल तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ तक के रिजल्ट यूज होते हैं मैक्सिमम। इन रिजल्ट्स को याद कर लो, इन्हीं से काम चल जाएगा और कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर यही चार पांच सीरीज यूज होने वाली है बार बार लेवल थर्ड में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये बहुत अच्छी सीरीज है, तो आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको समझ में आता ही जाएगा। चलो, अब मान लो मैंने ए एन को और भी माइनस कर दिया, यहाँ पे एन माइनस टू फैक्टोरियल कर दिया तो भी रिजल्ट यही रहेगा ई, वन अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल कर तो भी रिजल्ट यही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें वन पुट करोगे, टू पुट करोगे, थ्री वैल्यूज पुट करोगे तो जितने भी नेगेटिव फैक्टोरियल जाएंगे वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होगी, जब जीरो फैक्टोरियल बनेगा तब बनेगा वन, वन अपॉन वन, फिर आगे वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, बार बार यही सीरीज बनेगी जिसका रिजल्ट क्या है, ई की पावर वन। तो ये था हमारे पास लेवल टू का क्वेश्चन। लेवल टू में पहला टाइप था जो मैंने आपको करवाया जिसमें वन अपॉन एन प्लस वन की फॉर्म में ए एन दिया हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम और आएगी जब इसी के अंदर एक लेवल एडवांस डाल दिया जाए तो आपके लिए उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं वो भी स्टडी करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, तो आप ध्यान रखें भी इसको। चलो, अब हम लेवल टू में सेकेंड लेवल का क्वेश्चन करते हैं बीसी के अंदर। कैसे, अगर बाई चांस आपको कोई ऊपर भी एन दे दे, नीचे तो चलो एन था फैक्टोरियल के अंदर, वो तो हम सीरीज बना ही रहे थे, अगर ऊपर भी एन आ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो आपकी जो सीरीज बनेगी ना वो समझ में नहीं आएगी आपको कैसी बन गई। कैसे, जैसे पहले वन पुट किया, ऊपर टू नीचे थ्री फैक्टोरियल, फिर आपने टू पुट किया तो ऊपर थ्री नीचे थ्री फैक्टोरियल सॉरी फोर फैक्टोरियल, फिर आपने थ्री पुट किया तो ऊपर फोर नीचे आ जाएगा आपका फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इनको ऐड कैसे करें, क्योंकि ऊपर तो वैल्यू कॉन्स्टेंट होनी चाहिए थी और उसकी पावर बढ़नी चाहिए थी, तो खुद ही वैल्यू बढ़ रही है, तो इनको प्लस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो कैसे सम निकालोगे, क्योंकि फैक्टोरियल लगा हुआ है नीचे, जिस वैल्यू के सीरीज में नीचे फैक्टोरियल आ जाए तो आप समझ जाना वो ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन है, और ई की पावर एक्स की जो एक्सपेंशन होती है वो हमेशा इस फॉर्म में होती है मेरे बच्चों, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस में होती है। नीचे जब भी फैक्टोरियल लगा हुआ मिलेगा सीरीज में तो आप ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन माइंड में लेके चलना, पहला पॉइंट। दूसरा, ऊपर जो वैल्यू चलेंगी वो किसी एक कॉन्स्टेंट की पावर में चलेंगी, अगर खुद कॉन्स्टेंट चल रहा है टू थ्री फोर खुद आ रहा है कॉन्स्टेंट तो उसमें कोई ना कोई कमी है, वो कमी है कि इनको हटाओ,
ये चीजें नहीं आनी चाहिए, और ये चीजें कब हटेंगी, जब यहां से एन हटेगा ऊपर से। तो अब अगला हमारा टास्क जो है ऊपर से पहले एन को रिमूव करने का है, और एन को रिमूव करने में सबसे बड़ी हेल्प करेगा फैक्टोरियल वाली प्रॉपर्टी। कौन सी फैक्टोरियल वाली प्रॉपर्टी, कि मान लो एन फैक्टोरियल कहीं लिखा हो तो इसको आप एन इंटू में एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो। एन फैक्टोरियल को आप दो वैल्यू लेस करके लिखोगे तो एन माइनस टू फैक्टोरियल तक लिख सकते हो। कहीं पर भी ओपन करके इसको जितना ओपन करना है ओपन करें, फिर उसके बाद जहां भी स्टॉप करना हो वहां फैक्टोरियल लगा दो, स्टॉप हो जाएगा, समझे। तो ये प्रॉपर्टी काम देगी, कैसे देगी, कैसे करेंगे वो मैं इस क्वेश्चन में समझा देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप में कोई ए एन में ऊपर भी एन नजर आए नीचे भी एन नजर आए फैक्टोरियल में, तो ऊपर वाले एन को खत्म करने का जो तरीका है वो ये है कि नीचे जो फैक्टोरियल में वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू को सेम ऊपर बना दो। कैसे बनाओगे, नीचे क्या रखा हुआ है एन प्लस टू, तो ऊपर एन प्लस टू बनाओ, एन प्लस वन तो बना ही पड़ा है, वन ऐड कर दो, वन क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बन जाएगा वन ऐड करने से एन प्लस टू बन जाएगा। नीचे एन प्लस टू फैक्टोरियल पहले से ही पड़ा, इसको अलग डिवाइड कर लो, जो माइनस वन किया उसका अलग से कर लोगे आप डिवाइड, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बताया, एक्सपेंड कर सकते हो आप, ऊपर एन सेम वैल्यू तो है ही दोनों, तो एक वैल्यू तक एक्सटेंड करो और बाकी रोक दो इसको फैक्टोरियल लगा के, दोनों आपस में कैंसिल। तो ए एन क्या निकल के आया हमारा, वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, वन अपॉन एन प्लस टू फैक्टोरियल। तो अब आप मुझे ये बताओ क्या ऊपर से एन फिनिश हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप इसकी सीरीज बना लो, क्या बना लोगे सीरीज। तो भाई सीरीज बना लो तो आपकी मर्जी, ना बनाओ तो मैंने आपको तरीका बताया था। ए एन अगर आपका ये है तो ये एक्सपेंशन किसकी है बताओ भाई, एन प्लस वन है नीचे फैक्टोरियल में, तो एक्सपेंशन किसकी है ई माइनस टू की, अभी लिखवाया था दो मिनट पहले, और एन प्लस टू पड़ा है तो इसी के अंदर आप क्या करोगे एन माइनस ई माइनस टू में वन अपॉन टू फैक्टोरियल भी माइनस हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यूज कैंसिल, ये इसके साथ माइनस माइनस मिलके वन अपॉन टू फैक्टोरियल बचेगा, वन बाय टू आंसर। तो आंसर आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आईआईटी जैसे एग्जाम जो होते हैं जेई मेन वाले एग्जाम, उनमें इस क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, तो आपको आना चाहिए। जेई मेन्स के लिए था ये क्वेश्चन, और इसके पीछे जो क्वेश्चन करवाया था जिसमें ऊपर एन नहीं था, वो किस लेवल के कंपटीशन में आता है, जो स्टेट लेवल के कंपटीशन होते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर फोर ईयर का एग्जाम होगा, या कोई यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जीजे यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कर रही है, या कोई अदर यूनिवर्सिटीज अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जिसका लेवल थोड़ा सा कम होता है आईआईटी जेई से, उनके अंदर थोड़ा इजी लेवल आ जाता है, इसमें थोड़ा सा टफ लेवल आ जाता है, चीजें सारी वही है, समझ होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज का कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, लेवल टू का क्वेश्चन चल रहा, लेवल टू पढ़ा हमने इसके अंदर। अब लेवल थ्री में क्या आएगा, उसमें ये ए एन भी नहीं पता होगा, वो भी हमें खुद बनाना पड़ेगा, यानी इसमें एक स्टेप और बढ़ गया क्या। चलो अब उस पर आ जाइए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप अकेडमी में भी आ गए अपनी डाउट्स ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी हमें अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे कम समझ में आया, तो आपको दोबारा ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। ऑफलाइन आओगे तो ऑफलाइन क्लासेज में आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू।